अपने उद्देश्य का पता लगाना, ट्रेड योर वे टू फाइनेंशियल फ्रीडम बाय वेन थॉप। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडिंग विद बुक्स। भीड़, दुनिया और कभी कभी कब्र भी उस आदमी के लिए एक तरफा हट जाता है जो जानता नहीं कि वह कहाँ जाना चाहता है। एक लक्ष्यहीन ट्रेडर के लिए एक यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसे पता होना चाहिए कि उसका ऑब्जेक्ट कहाँ है, वो कहाँ जाना चाहता है। यदि आप समझते हैं कि एक होली ग्रिल सिस्टम बनाने के बावजूद आपका उद्देश्य ही नहीं पता है तो इसका कोई मतलब नहीं है। हालांकि आप कितना भी होली ग्रिल सिस्टम बना ले, लेकिन आपको एक जानना ही होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव, आपका उद्देश्य क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ट्रेड योर वे टू फाइनेंशियल फ्रीडम बाय वेन के थॉप चैप्टर 3। जब लेखक कहीं बिजनेस के यात्रा के दौरान अंत में एक शिकागो के हवाई अड्डे में एक लड़के से मिले जिनका नाम सैम था, तो वो लड़के बता रहे थे, उनके बीच में बातचीत हुआ तो सैम ने उनसे पूछा कि सर क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो जैसे ही सैम, तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, वैसे लेखक ने पूछा। तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मेरा ट्रेडिंग का रिजल्ट ट्रैक पर है। ट्रैक पर का क्या अर्थ है, मैं अपने रिजल्ट से खुश नहीं हूँ। इसलिए बाजार में ट्रेडिंग करने के लिए आपके टारगेट क्या हैं? खैर मेरा कोई टारगेट नहीं है। आप इस साल बाजारों में क्या हासिल करना चाहते हैं? मैं लंबे समय से अपनी पत्नी को अपने ट्रेडिंग बिजनेस से कार खरीदवाना चाहता हूँ। ठीक है, हम किस तरह की कार की बात कर रहे हैं, एक रोल्स रॉयल्स, मर्सिडीज, लग्जस या फिर पिकअप ट्रक, क्या आप उसे खरीदना चाहते हैं? ओ, एक अमेरिकी कार जो लगभग 5,15,000 में बिकती है। गुड, आप किस प्रकार के कार को कब खरीदना चाहते हैं? सितंबर, लगभग 3 महीने में। आपके ट्रेडिंग खाते में कितना पैसा है? लगभग 5,10,000। तो आप लगभग 3 महीने में 150% बनाना चाहते हैं, क्या आपको लगता है यह सही है? हाँ सही है। क्या आप जानते हैं कि तीन महीने में 150% का रिटर्न कमाना लगभग 1000% का एनुअल रिटर्न के बराबर है? नहीं, मैं नहीं जानता। बनाने के लिए आप अपने खाते में कितना रिस्क को खोने के लिए तैयार हैं? मुझे नहीं पता। कितना, 25%? नहीं, यह बहुत ज़्यादा है। 10%? नहीं, यह भी बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या करना चाहते हैं? आप एक ऐसी ट्रेडिंग पद्धति के बारे में जानते हैं जो आपको लगातार रिस्क रिवार्ड देगी? क्या आप ऐसे रिस्क रिवार्ड वाले ऐसे स्ट्रेटजी को जानते हैं या फिर होरिगल सिस्टम को जानते हैं? नहीं सर, मैं ऐसे नहीं जानता। तो इस प्रकार का जो बातचीत है सैम से लेखक करते हैं, तो देख लीजिए इस बातचीत के दौरान आपको क्या सीखने को मिल रहा है। लेखक बोलते हैं कि हालांकि अधिकांश शुरुआती ट्रेडर इन्वेस्टर छोटी मात्रा में पैसे के साथ लगातार खुद को एक ऐसी उम्मीद दे रहे हैं कि वे उन्हें पूरा करने की संभावना है, लेकिन ऐसा नहीं है। अधिकांश ट्रेडरों के लिए बहुत कम पैसे के साथ बाजार में एंट्री करना क्यों गलत है, इसलिए लेखक यहाँ पर इसको समझाना चाहते हैं। तो सबसे पहले अपने उद्देश्य को डिज़ाइन कीजिए, वो आपके सिस्टम का एक मेन पार्ट है। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है, यदि आप बाजार में ट्रेड या फिर इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो एक सिस्टम विकसित करने जा रहे हैं, तो तय करें कि सबसे पहले वास्तव में आप करना क्या चाहते हैं। जैसे आपका 200 मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम है, CPR सिस्टम है, RSI का आपका जो होली ग्रेल सिस्टम है, तो ये जानने के बाद आपका उद्देश्य क्या है, सबसे पहले इसको आपको डिफाइन करना होगा। तो सबसे पहले एक विनिंग डेवलपिंग सिस्टम आपको डेवलप करना होगा, विनिंग डेवलपिंग सिस्टम डेवलप करना होगा, जिसमें आपको आपका रिस्क रिवार्ड, आपका मनी मैनेजमेंट, आपका टारगेट उसमें फिट बैठे, आपका एंट्री एग्जिट दोनों फिट बैठे। तो इसका बाजारों में क्या लेना देना है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट तो यही है। कोई भी सिस्टम आप डिज़ाइन करते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर टॉम बसो का जो एक ट्रेडर है, इन्वेस्टर भी है और फंड मैनेजर भी है, जो मार्केट विजार्ड के लेखक है जैक डी स्वागर ने इनका इंटरव्यू लिया था, तो वेन के थॉप ने भी इनका इंटरव्यू लिया है। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि कैसे उनका ऑब्जेक्ट होता है एक ट्रेडर के प्रपेक्टिव से और इन्वेस्टर के प्रपेक्टिव से और फंड मैनेजर के, दोनों तीनों तरीके से ट्रेडिंग का आइडियाज़ क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ पर उन्होंने इंटरव्यू लिया और मतलब उसके कारण को डिफाइन किया। पार्ट 1 है सेल्फ असिस्टेंट, मतलब खुद का
मूल्यांकन। टॉम को बोलते हैं लेखक, आपको दिन में कितना समय ट्रेडिंग करने के लिए देना है? यह इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास कितना समय उपलब्ध है, वही आपको तय करता है कि आपको किस प्रकार के ट्रेडिंग सिस्टम विकसित करने पाए। यदि आपके पास ज़्यादा समय है तो आपको उसी के अनुसार ही आपको ट्रेडिंग सिस्टम डिजाइन करनी चाहिए। जिनके पास पहले से नौकरी में है वे शाम को बाजारों को देखते हैं, अब जाहिर है उपयोग करने के लिए काफ़ी लंबी अवधि का ट्रेडिंग सिस्टम ढूंढनी चाहिए। तो लेखक जो टॉम बसो है वो बोलते हैं कि मुझे लगभग दिन में 6 घंटे मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर समय अपने जो खुद का बिजनेस है उसको मैनेज करने में लगा देते हैं, साथ ही खुद का जो पर्सनल है डेवलपमेंट है उसको करने में लगा देते हैं। तो अगला इंटरव्यू है फिर उसी के, तो बोला आपको जो ट्रेडिंग बिजनेस पर है आपको मनोवैज्ञानिक जो मुद्दा है या जो ट्रेडिंग प्लान है उसको विकसित करने में आपको कितना टाइम लगा? तो टॉम बसो बताते हैं कि मुझे ये सिर्फ साइकोलॉजी हो गया, ट्रेडिंग में हो गया, जो ट्रेडिंग प्लान है, जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसको बनाने में मेरे को बोला 20 साल लग गए। तो इतना समय लग गया, सोचिए एक जो फंड मैनेजर है, जो इन्वेस्टर भी है और एडवाइज़र भी है, तो आप कंपेयर कीजिए अपने आप को कि उनको इतना समय लग गया, तो आपका भी ऑब्जेक्टिव क्या है,